300 यूनिट बिजली मुफ्त, 263 नई मेट्रो लाइन, जाने अजित पवार के बड़े ऐलान। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में महाराष्ट्र अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हम 2024-25 के 5 महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं। शेष बजट लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बजट शिंदे सरकार के लिए अहम रहने वाला है। इस बीच अजित पवार ने क्या बड़े ऐलान किए हैं, आप भी जान लीजिए। अजित पवार की बड़ी घोषणाएं, महाराष्ट्र सरकार का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 7600 करोड़, 263 नई मेट्रो लाइनों को मंजूरी, राज्य को 7057 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण, राज्य में रेलवे परियोजनाओं के लिए 15000 करोड़ से अधिक का प्रावधान, कृषि विभाग को 3650 करोड़, पशुपालन विभाग को 550 करोड़, राज्य में 18 छोटे औद्योगिक परिसर शुरू होंगे, सामूहिक प्रोत्साहन योजना में 7000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जाएगा, रूफटॉप सोलर योजना के लिए 78000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी, विदर्भ में सिंचाई के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, प्रत्येक जिले में 1 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, संभाजीनगर हवाई अड्डे के लिए 578 करोड़, मिहान परियोजना के लिए 100 करोड़, अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र और 2000 कौशल विकास केंद्र लॉन्च किए जाएंगे, कौशलज्ञ विभाग को 807 करोड़ रुपए, लोनार, अंजिता, कलसुबाई, सागरी किलों में पर्यटन सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, कश्मीर और अयोध्या में महाराष्ट्र भवन की घोषणा, अजित पवार ने जमीन खरीदने का भी ऐलान किया, वर्सोवा बांद्रा सी ब्रिज पालघर तक बनाया जाएगा, 7000 किलोमीटर लंबी सड़कें शुरू की जाएंगी, रेडियो क्लब जेटी के लिए 227 करोड़ का काम शुरू होने जा रहा है, कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ की रोकथाम के लिए 2700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त रेडियो क्लब जेटी के लिए 229 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि सागरमाला योजना के तहत रत्नागिरी बंदरगाह के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा संभाजीनगर हवाई अड्डे के विस्तार योजना 529 करोड़ रुपए की है। 5 औद्योगिक पार्कों के निर्माण के माध्यम से निर्यात बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। मेक इन इंडिया पहल ने नवी मुंबई में 1 मॉल स्थापित करने के लक्ष्य के साथ 196 करोड़ रुपए की निविदा प्रक्रिया शुरू की है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सोलर पंप योजना का काम चल रहा है। विदर्भ में सिंचाई बैकलॉग से निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1 लाख महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और 37000 आंगनबाड़ियों के लिए सौर ऊर्जा का प्रावधान प्रगति पर है। 40% गैर पारंपरिक ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बकरी भेड़ वराह योजना के तहत 129 परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनकी मरम्मत के लिए अगले 3 वर्षों में 15000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सामान्य प्रश्न विभाग के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जनवरी 2024 में दावोस में 19 कंपनियों के साथ उल्लेखनीय समझौते किए गए। कपड़ा नीति के तहत राशन वितरण और प्रति महिला 1 साड़ी उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं। वर्सोवा बांद्रा सी ब्रिज से पालघर तक 7000 किलोमीटर सड़क विकास की योजना है। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की पहल में यूनेस्को को भेजा गया। शिवनेरी में 11 किलों का प्रस्ताव भी शामिल है। भारत की पहली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है, जबकि सोलापुर, तुलजापुर और धाराशिव में रेलवे लाइनों के लिए काम जारी है। वित्तीय आवंटन में रत्नागिरी भागवत बंदरगाह के लिए 300 करोड़ रुपए और संभाजीनगर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए धन शामिल है। 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने घोषणा की है कि जुन्नार में शिव संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।